बॉलीवुड के सबसे फिट एक्टर्स की लिस्ट में शुमार अनिल कपूर आज 64 साल के हो गए हैं। आज ही के दिन साल 1956 में मुंबई में उनका जन्म हुआ था। साल 1979 में छोटे से रोल से डेब्यू करने वाले अनिल कपूर के नाम सैकड़ों हिट फिल्में दर्ज हैं। माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, रानी मुखर्जी, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी सहित हर दिग्गज अदाकारा के साथ वो नजर आ चुके हैं। उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वे तेलुगु और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। अनिल कपूर वो सितारे हैं जिन्होंने पर्दे पर एंग्री यंग मैन का किरदार बखूबी निभाया तो कॉमेडी की भी नए आयाम स्थापित किए। अपनी अदाकारी के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड और फिल्म फेयर जैसे सम्मान मिल चुके हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको उनसे जुड़ी कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जो आपने शायद ही सुनी होगी। कहा जाता है कि करियर के शुरुआती दिनों में अनिल कपूर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती थी कि उनके पास टैक्सी के किराए तक के पैसे नहीं होते थे। तब उनकी मदद जिन्होंने करी वो और कोई नहीं बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड सुनीता थी जो कि अब उनकी पत्नी है। जब दोनों की शादी की बात चली तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी सिवाय अनिल कपूर के दोस्तों के। उनका कहना था कि अनिल कपूर की शादी करने से उनके करियर पर असर पड़ सकता है। अनिल कपूर ने उनकी बात मान ली और दो बार शादी की तारीख भी टाल दी, हालांकि बाद में दोनों की शादी हो गई। अनिल कपूर अपनी फिटनेस को लेकर भी काफी गंभीर रहते हैं। वो ऐसे एक्टर हैं जिन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है। हजारों लाखों लोग फिट रहने और एक्सरसाइज करने के लिए उनसे प्रेरित होते हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो अनिल कपूर अभिनव बिंद्रा के जीवन पर आधारित फिल्म में नजर आएंगे। इस बायोपिक में वो अपने बेटे हर्षवर्धन कपूर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। वो करण जौहर की मल्टी स्टारर तख्त में भी काम करते हुए दिखाई देंगे। आखिरी बार उन्हें फिल्म मलंग में देखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV भारत।